दोस्तों आईपीएल 2021 के पोस्टपोन होने के बाद अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है 18 जून को द रोज बाउल साउथहम्पटन में और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है दुनिया की दो बेहतरीन टेस्ट टीमों के बीच में जो कि है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का 20 खिलाड़ियों का स्क्वाड अनाउंस किया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया का स्क्वाड। तो स्क्वाड में बल्लेबाजों में है कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल और हनुमा विहारी। विकेट कीपर बैट्समैन में है ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा। ऑलराउंडर में है रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। तेज गेंदबाजों में है जसप्रीत बुमराह, ईशान शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया का 20 खिलाड़ियों का स्क्वाड, जिसमें हनुमा विहारी, रविंद्र जडेजा, उमेश यादव और मोहम्मद शमी काफी लंबे समय के बाद वापसी करने वाले हैं। और इस स्क्वाड में केएल राहुल और रिद्धिमान साहा को भी शामिल किया है, लेकिन केएल राहुल और रिद्धिमान साहा पूरी तरह से फिट नहीं है। तो केएल राहुल और रिद्धिमान साहा को इस स्क्वाड का हिस्सा होने के लिए फिटनेस टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार रहने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया का स्क्वाड।